खाला शाम को इसको आप खुद वापस ड्रॉप कर दीजिएगा, यहाँ से तो कोई लेने आएगा नहीं। नाजिर का वैसे मूड बहुत खराब है, पता नहीं ऑफिस गया है कहीं और। हाँ हाँ अम्मा बेटी, मुझे खुद भी परेशानी है इस बात की। अरे आपको क्यों परेशानी है, मसला हमारा है, हमारे घर का है, आप तो घर जाके सो जाएंगी। अगर बेटी अपने घर में खुश ना हो तो माँ भला कैसे सो सकती है? ए? क्या मतलब है आपका? एक दिन में आपने अंदाजा भी लगा लिया कि आपकी बेटी खुश ही नहीं है हमारे घर में। आयमा बेटी आप नाराज ना हो। अच्छा वो मैंने कुछ चीजें फौजिया के लिए जमा करके रखी हुई है, अगर आप इजाजत दें तो भिजवा दूं। अरे रहने दें, फजूल की चीजें होंगी, कहाँ रखूंगी मैं उस काट कबाड़ को, मेरा घर तो देखा है ना आपने। अच्छा चलें ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। वो वलीमा तो शायद अभी नहीं होगा। क्या वलीमा? लड़का मुंह बनाए फिर रहा है, बीवी से एक लफ्ज बात नहीं की। आप वलीमे की बात कर रही है, क्या हो गया आपको सफिया खाला? मैंने तो बस ऐसे ही पूछ लिया। ये जरा सोच समझ के बोल लिया करें सफिया खाला। फौजिया आयमा बेटी से इजाजत लो। जी मैं जाऊं? हाँ भाई जाओ, दिल लगाओ इस घर में, अभी ही तुम्हारा घर है, शाम को आ जाना खुद ही। हाँ हाँ लगाएगी, क्यों नहीं लगाएगी, यहाँ देख। बहुत ही चिपकू औरत है, हवा पूरी बहुत मजे की थी, एक और खा लेती हूँ। बोलो क्या बात है? फोन पर ही कह दो, मिलो तो बताऊंगा। अच्छा भाई आती हूँ, आधा घंटा दो तैयार होने। ओहो तुम्हें तैयार होने की क्या जरूरत है, तुम तो वैसे ही इतनी प्यारी हो। हाँ वो तो है, लेकिन 10 मिनट तो दो ना। अच्छा जल्दी आना। मोना मोना। जी दी। सुनो मेरी दोस्त की तबीयत एकदम खराब हो गई है, 2-3 घंटे के लिए जाना पड़ेगा, तुम जरा घर संभाल लेना। लंच में तो कुछ बनाने की जरूरत नहीं, इतना हैवी नाश्ता किया है, यहाँ तक आ रही है हलवा पूरी। और रात के लिए आपके लिए शवरमा मंगवा लेंगे। ठीक है ना।